फ्रेंड्स थर्डली आई टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट बिकॉज बींग इन 12th स्टैंडर्ड यू मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर बैकअप एग्जाम लाइक जेई और नीट एज वेल सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम आपको अपने टाइम को बैलेंस करना है बिटवीन योर स्टडीज़ जिसके लिए आपको जितने भी आवर्स आप 3-4 hours अलॉट करते हो उतने टाइम में आप बस स्टडी कीजिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम पढ़ने बैठे और अभी हमारा स्टडी का टाइम चल रहा है और हमारे हाथ में फ़ोन है नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड का लाइक्स आते हैं फोटोज़ पे कमेंट्स आते हैं सो आप वो भूल जाते हो कि अल्टीमेट टारगेट अभी स्टडी करने का था ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम पढ़ते रहो बट जितने टाइम पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सिमिलरली अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल ना बना के आप बस एक रफ एस्टिमेट अपने माइंड में रखो कि मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं मुझे 4 घंटे नहीं पढ़ना मुझे 4 टॉपिक्स करने हैं वो 4 टॉपिक्स अगर 1 घंटे में आप अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी फोकस्ड होकर करो तो आपके पास बाकी टाइम रहेगा लेजर के लिए सिमिलरली आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी आप कीजिए क्योंकि मैं भी रनिंग करता था फिजिकल एक्सरसाइजेस करता था टू कीप माई सेल्फ फिट क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस में GTO में भी रिफ्लेक्ट होगा और अदरवाइज ऑल्सो आपका जितना भी स्ट्रेस है जितना भी एग्जामिनेशन प्रेशर है और जितना भी स्टडी करके बोर हो जाते हैं वो सारा का सारा अगर आप कोई इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो लाइक रनिंग तो डेफिनेटली उससे वो रिलीव आउट हो जाएगा सिमिलरली आप टाइम अलॉट कीजिए पेपर से पहले रिविजन के लिए और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए एंड टेस्ट प्रैक्टिस के साथ टेस्ट एनालिसिस भी कीजिए अगर ये सब आप करते हो तो आपको नॉर्मल लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी और फाइनल पेपर में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी।